आज हम सभी बात करने वाले हैं एलन की कोचिंग की फीस के बारे में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए रहें ताकि हर वीडियो आते ही आपको मिले। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, जो 10th और 11th में जाने वाले बच्चे हैं 2 साल के लिए। सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी होगी, क्लासरूम कोर्स, ठीक है, स्कूल के साथ आप पढ़ने भी जा सकते हैं। तो इनकी फ़ीस देख लेते हैं, ये जे मेन और प्लस एडवांस दोनों की मिक्सअप फ़ीस है, ठीक है। इनमें अलग अलग बैचेस हैं, ठीक है, और अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आप फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। और डेट भी लिखा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, सेकंड कब पे करनी है, ठीक है। फीस भी अमाउंट देख लीजिए, अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है ए टोटल, आपको अगर देखा जाए इसमें क्या क्या कराते हैं। कोर्सेज देख लीजिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। पहले ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएगी ऑफलाइन भी जाएगा। फीस इसकी 1,45,000, 1,45,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 80, फिर सेकंड में 65 आपको पे करनी है, ठीक है। ऐसे करके आप आराम से पे कर सकते हैं। ये डेट आपको ऊपर मेंशन कर रखी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ कैसे करें, कैसे कहलाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, मार्क्स वगैरह, तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये किसके लिए था, जो 10th से 11th में मूविंग जाने वाले, ठीक है। उसके बाद 11th से 12th में जो जाने वाले, उसका 1 साल के लिए, क्योंकि अब 12th में आ गए तो 1 साल की कोचिंग होगी, ठीक है। अब 1 साल की कोचिंग है तो फीस भी उसी हिसाब से कम होगी। इसका मई में बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी फ़ीस आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं, 1 मई को, 1 16 जून को, ठीक है। ये आपका दे रखा है रिफंड में, फर्स्ट रिफंड, सेकंड रिफंड और लास्ट रिफंड, ठीक है। क्लासरूम सेंटर कोड भी दे रखा है आपका, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा जाएगा। क्लासरूम कोर्सेज है, इसकी फ़ीस है 1,47,000 रुपीज़, जिसमें से फर्स्ट में आपको 85 देना है, सेकंड में 62 देना है। ये आपकी फ़ीस का पेमेंट है, ठीक है, कब कब देना है आपका डेट ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें भी आपका ऑफलाइन है, पहले ऑनलाइन कोर्सेज रहेगा, उसके बाद जैसे ही कोरोना का ख़त्म होगा कुछ, ठीक है, तो उसको आपको ऑफलाइन बुला लेंगे, इसलिए फ़ीस ज़्यादा है इसकी, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस, जिसे हम हाइब्रिड कोर्स भी कहते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में जाने वाले हैं। अब उसके बाद जो आता है 12th पासिंग के लिए, अब 12th पास हो गए, 3 ही कोर्स होते हैं, ठीक है, एक ही साल का होगा 12th पास के लिए। इसमें टाइमिंग ज़्यादा रहता है, ये भी जेई मेन और एडवांस के लिए ही कोचिंग है, दोनों चीज़ के लिए 1 साल की कोचिंग है। इसमें अलग अलग बैच चलते हैं, जून में जुलाई में चलते हैं, 15 जुलाई को भी आने वाला है बैच, ठीक है। आप चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए मैंने वीडियो भी डाल रखा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, और इसका भी आप देख लीजिए डेट कितना कितना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेंटर कोड, जो क्लासरूम सेंटर कोड है, आप देख लीजिए कहाँ पर है, ये राजीव गांधी नगर कोटा में, ठीक है, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ से पढ़ने के लिए। अभी तो ऑनलाइन होगा, उसके बाद ऑफलाइन आपको बुला लिया जाएगा। तो अभी एक बैच बाकी है इसका, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख के कैसे फिल करना है फिल कर लीजिए, ठीक है। 500 फीस रुपये है, ये जो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, देख लेते हैं इसका भी। फीस स्ट्रक्चर भी वैसे ही जैसा नॉर्मल ये रेंज का, इसमें क्या क्या, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। स्टडी मटेरियल जो रहेगा आपका, फीस है 1,51,000 रुपीज़, और अगर आप एक बार में सारा देना चाहते हैं तो 1,45,000 पड़ेगा आपको। फर्स्ट में 85 और सेकंड में 66, ठीक है, फर्स्ट रिफंड दे रखा है, सेकंड रिफंड दे रखा है। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद लाइव क्लासेस के लिए सबसे पहला बैच देखते हैं वही, ठीक है, सिर्फ लाइव क्लासेस के लिए, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होगी उसके लिए। नेट थोड़ा स्लो है मेरा, कोई नहीं। ये भी जेई मेन प्लस एडवांस के लिए फ़ीस है, इसमें 2 साल के लिए है, जिसमें आप 10th से 11th में गए, मतलब 11th 12th 2 साल के लिए कोचिंग है। ये अप्रैल में भी स्टार्ट होता है, ठीक है, मई में भी, जून में 2 बैच है, ठीक है, तो इसके 3-4 बैच हैं, जुलाई में भी है, ठीक है, जुलाई में जो अभी 15 जुलाई को आने वाला है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का बैच है, ये हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का बैच है। लास्ट डेट दिखा रखा है, ठीक है, आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसका फीस है 80,000 रुपीज़, और इसको आपको डायरेक्ट देना है, ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं है, डायरेक्ट फीस है इसकी 80,000 रुपीज़, आप आराम से पे कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं इसकी। सेकंड इसकी जो 11th से 12th में बच्चे जा चुके हैं, मतलब 12th में इस बार आ गए हो आप लोग अगर, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। ये 1 साल की कोचिंग है, जिसके अंदर बता देता हूँ मैं कितनी फ़ीस है, वो भी देख लीजिए आप। सबसे पहले नर थोड़ा स्लो है, उसके बाद देखिए ये मई में स्टार्ट होता है बैच, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, ठीक है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसका भी वही है सेम क्राइटेरिया, बस इसकी फ़ीस है 85,000 के करीब, ठीक है, तो आप इसको भी अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप 1 साल की फ़ीस है, आप आराम से पे करके ले सकते हैं। इसके बाद लेटर बैच आता है, जो कि 12th पास वालों के लिए 1 साल की कोचिंग होती है, ड्यूरेशन टाइम उतना ही 1 ही साल का होता है, बट इसमें टाइमिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल जाना नहीं होता, तो टाइमिंग बच्चों के पास रहता है, इसलिए उससे ज़्यादा देर तक पढ़ाते हैं।
इसमें भी अलग अलग बैचेस अभी 15 जुलाई को, हाँ 15 जुलाई को भी एक और बैच आने वाला है इसका, स्कॉलरशिप टेस्ट आप अप्लाई कर दीजिए, कुछ फीस इसमें माफ़ हो जाती है आराम से, ठीक है। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, लाइव क्लासेस है, इंग्लिश हिंदी मीडियम सब में पढ़ा जाता है, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और इसका भी 85,000 रुपीज़ ही फीस है, ठीक है। तो अगर वीडियो यहाँ तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत सारी हैं, आप जाके देख सकते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए, अलग अलग कोचिंग के लिए, चाहे आकाश हो, चाहे एलन हो, चाहे फिट जी हो, कोई सा भी कोचिंग हो। थैंक यू।